फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में डकैती और सुपारी किलिंग गैंग के चार शातिर अपराधी सरगना बंटू यादव समेत गिरफ्तार किए गए, जबकि दो फरार हैं। दो बड़ी और सनसनीखेज अप्रिय घटनाओं को विफल करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। गिरफ्तार अपराधियों के कब्जे से 4 अदब नाजायज असलाह, 16 कारतूस व 2 संदिग्ध वाहन बरामद किए गए हैं। अगले 3 दिनों के भीतर फिरोजाबाद के फैक्ट्री एरिया में डकैती और इटावा के एक चर्चित नेता और पिछले लगभग 25 वर्षों से जसवंत नगर ब्लॉक प्रमुख प्रोफेसर ब्रिजेश यादव की हत्या करने की पूरी योजना को अमली जामा पहनाने ही वाले थे। प्रोफेसर ब्रिजेश यादव की हत्या को अंजाम देने वाले थे, परंतु फिरोजाबाद पुलिस टीम इनके मंसूबों को पूर्णतः विफल करने में कामयाब हुई और 2 जिलों की 2 बड़ी और अप्रिय घटनाओं को रोकने में सफलता मिली है। फिरोजाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने और थाना रामगढ़ पुलिस, जो कि फिरोजाबाद की यूनिट है, इन्होंने कल देर रात्रि बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इन्होंने ऐसे बड़े गैंग के 4 शातिर कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो फिरोजाबाद में डकैती डालना चाह रहे थे और जिला इटावा के एक प्रमुख नेता, जिसका नाम श्री ब्रिजेश यादव प्रकाश में आया है, उनकी हत्या के लिए ये लोग पूरी योजना बना करके उस पर अमल करना चाह रहे थे। मुखबिर की सूचना मिली थी कि गाड़ी नंबर 0001 आखिरी में होगा, उसी व्यक्ति की हत्या 3-4 दिनों के अंदर होनी है। इस पर 2-3 टीमें इस जनपद में काम कर रही थी, उन्हीं टीमों से कल देर रात सफलता मिली और 4 लोगों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इन 4ों में बंटू यादव सरगना है, बाकी उसके 3 साथी ऐसे हैं जिन्होंने शूटर्स का इंतजाम किया था। डकैती डालने में जो मुख्य सरगना था उसको हमारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 4 असलहे और तकरीबन 16 कारतूस बरामद किए गए हैं। 2 संदिग्ध मोटरसाइकिलें भी बरामद हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम को मेरी ओर से 5,000 रुपये का नकद इनाम और ADG जोन आगरा महोदय को 15,000 रुपये के पुरस्कार के लिए पत्राचार किया जा रहा है। जो सरगना पकड़ा गया है बंटू यादव, वो 2 बार जेल जा चुका है, 1 बार मर्डर में, 1 बार अपहरण के केस में जेल जा चुका है। यह सुपारी किलर नहीं है, लेकिन इसका जो साथी है रिंकू यादव नाम प्रकाश में आया है, वह एक सुपारी किलर है। आधा दर्जन से ज्यादा हत्याओं को अंजाम दे चुका है। तकरीबन 1 महीना पहले ये जेल से छूट के आया था और ये अगली बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे।